Hello everyone, today we'll start with exercise 1.3 of class 11 mathematics. The first question jo hai, make correct statement by filling in the symbol. Ab ye jo symbol hai, iska matlab subset hota hai. Ye symbol hai subset ke liye. Okay. Ye symbol jo hai subset. Aur ye jo hai not a subset. Abhi first of all subset hota kya hai? Example. जैसे a इज इक्वल टू अगर है 1 और 2 और b है 1 2 3 अगर a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर होंगे राइट इफ यू ऑब्जर्व a के सारे एलिमेंट्स अगर b के अंदर है तो वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b अगर a के सारे एलिमेंट्स अगर b के अंदर होंगे वी कैन से इट इज अ सबसेट ओके सिंपल डेफिनेशन है ऑल एलिमेंट्स ऑफ a शुड बी इन b तो अगर होगा तो सबसेट अगर नहीं होगा तो नॉट अ सबसेट तो पहला क्वेश्चन देखो क्या 2 3 4 इसमें है अगर है तो सबसेट लिखेंगे क्या 2 3 4 है इसमें हां सर 2 3 4 है तो ये होगा यस सबसेट ओके अब एबीसी अब एबीसी इसके अंदर है क्या चेक करो एबीसी इसके अंदर है अगर चेक करो सारे बी और सी है सिर्फ दो ही है सिर्फ बी सी पर ए नहीं है तो वी कैन से इट इज नॉट अ सबसेट सारे एलिमेंट्स होंगे तो वी कैन से इट इज अ सबसेट अगर सारे नहीं होंगे तो नॉट अ सबसेट क्वेश्चन नंबर 3 इट इज x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th अभी क्लास 11th के बच्चे ओके क्लास 11th के बच्चे जो थर्ड क्वेश्चन है क्लास 11th के बच्चे कोई स्कूल के सबसेट होंगे पूरे स्कूल के बच्चे राइट होंगे राइट क्लास पूरे स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल तो होंगे राइट स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट ऑफ स्कूल में तो क्लास 11 के बच्चे भी आ जाएंगे राइट क्लास 11 इसलिए इसके अंदर आएंगे ना स्कूल के बच्चे में सारे बच्चे आ जाएंगे 1 से लेकर 12 तक सारे बच्चे तो 11th भी इसके अंदर आ ही रहा है तो वी कैन से इट इज अ सबसेट अभी सेक फोर्स क्या है सर्कल इन अ प्लेन अभी सर्कल इन अ प्लेन है ओके क्या सबसेट होगा सर्कल इन अ सेम प्लेन ऑफ रेडियस अब सर्कल इन अ प्लेन कैसा होता है फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है ओके फोर्थ क्वेश्चन ये एक प्लेन है अब सर्कल एंड प्लेन कैसे होंगे अलग अलग साइज के सर्कल होंगे ये सर्कल बड़ा सा सर्कल होगा फिर एक छोटे सर्कल्स भी होंगे राइट बहुत सारे प्लेन में बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं राइट और क्या बोला क्या ये प्लेन का दूसरा क्या है सबसेट सिर्फ 1 यूनिट के सर्कल वाले सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाला सर्कल है यहाँ पे सिर्फ 1 सेंटीमीटर वाले सर्कल है तो सारे इसके अंदर लाई कर रहे हैं क्या चेक करो नहीं लाई कर राइट छोटे वाले नहीं आ रहे ना छोटे वाले इसके अंदर नहीं आ पा रहे इसके अंदर सारे एलिमेंट्स नहीं आ पा रहे तो वी कैन से इज नॉट अ सबसेट ओके पर ये उल्टा लिखा होता ये आगे लिखा होता और ये पीछे लिखा होता तो वी कैन से सबसेट होता ओके 1 सेंटीमीटर के सब इसमें होते ही एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल ट्राइंगल रेक्टेंगल हो ही नहीं सकते ना ट्राइंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल प्लेन आपस में सबसेट हो ही नहीं सकते सारे ट्राइंगल और सारे रेक्टेंगल तो अलग अलग सेट ही है अब फोर्थ सिक्स क्वेश्चन में दिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल अब सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या लाइक करेंगे ट्राइंगल वाले शेप में अब ट्राइंगल में सब आएंगे इक्विलेटरल भी आ जाएंगे स्केलिन भी आ जाएंगे आइसोसेलेस भी आ जाएंगे राइट तो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी इसमें लाइक करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल एक छोटा पार्ट है पर टाइप ऑफ ट्राइंगल सारे ट्राइंगल आ जाएंगे इसमें सो वी कैन से इज अ सबसेट ओके सेट ऑफ इवन नंबर्स इंटीजर्स में आ जाएंगे इवन नंबर्स कैसे होते हैं 2 4 6 ये इवन नंबर्स और इंटीजर्स कैसे होते हैं -2 -2 0 2 4 सारे नंबर आ जाएंगे राइट तो ये इसके अंदर आ ही जाएंगे ये सारे एलिमेंट्स इसमें लाई करेंगे तो वी कैन से इट इज अ सबसेट तो सिंपल डेफिनेशन सारे अगर एलिमेंट्स दूसरे सेट में अगर होंगे तो वी कैन से सबसेट अगर नहीं होंगे तो वी कैन से इट इज नॉट अ सबसेट अब यहाँ पे भी देख लो पहला सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि ए बी नॉट सबसेट है होगा ना सबसेट देखो ए और बी इसके अंदर है ए बी है बी भी है ओके तो ये नॉट अ सबसेट रॉन्ग है तो ये आएगा फॉल्स सेकेंड ए इज सबसेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट अब इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है A, E, I, O, U. क्या इसके अंदर A ही लाई कर रहा है A ही के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं राइट तो वी कैन से इट इज
थ्रू। क्या 1 2 3 इसमें आ रहे? 1 2 3 चेक करो, नहीं आ रहा राइट। वन और थ्री आ रहा है खाली, टू इज मिसिंग, तो इट इज फॉल्स, सबसेट नहीं है ये, फॉल्स है। क्या ए सबसेट है इसके अंदर? हाँ राइट, ए इसका सबसेट है, थ्रू। क्या कर्ली ब्रैकेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी? अभी इसमें याद रखो, अगर ये सिंबल आता है बिलोंग्स वाला, बिलोंग्स में क्या होता है, तो ए बिलोंग्स और सबसेट में यही डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान दे दो। अगर ए है 1 2 3 ओके, तो 1 होगा बिलोंग्स टू, अंदर का जो एलिमेंट लिखेंगे बिना कर्ली ब्रैकेट का, जैसे अंदर दिख रहा है एलिमेंट बिना कर्ली ब्रैकेट का अगर लिखेंगे तो बिलोंग्स में होगा काउंट, और ये सेम चीज को अगर मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा तो बिलोंग्स में नहीं काउंट होगा ओके। बट अगर कर्ली ब्रैकेट में है तो सबसेट में काउंट होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना जैसा अंदर दिख रहा है वैसा होना चाहिए, उसे बिलोंग्स बोलेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स, जैसा दिख रहा है बिलोंग। अब ये सेम चीज को अगर ऐसे लिखूं, ए इज इक्वल टू, अंदर ऐसा लिखा है 1 2 3, अगर एलिमेंट अगर मेरा सेट ऐसा होता तो अगर ऐसा लिखता ना, अंदर क्या लिख रहा है कर्ली ब्रैकेट में अंदर लिखा है, अब इसको ऐसे लिखूंगा तो ये बिलोंग्स में बोल सकते हैं, क्योंकि अंदर ही कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो बिलोंग्स में काउंट होगा। बिलोंग मतलब जैसा दिख रहा है वैसा ही होना चाहिए, तो ए के अंदर क्या दिख रहा है सर, कर्ली ब्रैकेट में दिख रहा है तो इसमें बिलोंग्स आएगा। बट अगर इसको सबसेट बनाना है, ये लिख दिया जैसा दिख रहा है और इसके ऊपर और एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया तो वो सबसेट में काउंट हो जाएगा ओके। तो बहुत ध्यान से समझना है, जो अंदर दिखता है जैसा दिखता है उसे बिलोंग्स बोलते हैं, और वही अंदर जैसा दिखता है उसके एलिमेंट्स में अगर कर्ली ब्रैकेट डाल देंगे तो उसे सबसेट बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया हो। तो जैसे अब बिलोंग्स में क्या होता है, जैसा दिख रहा है ए ही खाली दिख रहा है ना, इसमें यहाँ पे ए होना चाहिए सिर्फ, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, इट इज फॉल्स, ये सबसेट है एक्चुअली राइट। ऑल राइट, सिक्स क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन नंबर सिक्स। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, इवन होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो लेस देन सिक्स, तो टू और फोर होगा जो नेचुरल नंबर है, लेस देन सिक्स इवन नंबर। और दूसरा सेट क्या है, बी नेचुरल नंबर डिवाइड बाय सिक्स, जो सिक्स 36 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 और 6 और 36 में जो जो आ सारे लिख देना है, 9 12 18 36। अगर चेक करो 2 और 4 इसके अंदर लाई कर रहे हैं राइट, सो वी कैन से इट इज थ्रू। ऑलराइट, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो काइंडली कमेंट। थैंक यू।